नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। आज मैं आपके लिए 500 पॉलिटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट वन वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बढ़ते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में शीत युद्ध का अंत हुआ था। और फ्रेंड्स, आपको यह भी याद रखने हैं कि जो शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। और शीत युद्ध का अंत क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। इन सभी टर्म्स, जितने भी स्टार लगाए हुए टर्म्स है, सभी टर्म्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे साथियों। और मैंने सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ आपके इस वीडियोस में लाया हूँ। और जो यहाँ पे शीत युद्ध के बारे में बात की जाती है, तो शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला था। और शीत युद्ध का जो मेन जो आपको यहाँ पर थ्योरी देखने को मिलेगा यही कि शीत युद्ध क्या था। तो शीत युद्ध एक मतलब, शीत युद्ध का मतलब एक ऐसी अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित व तनावपूर्ण हो, किंतु वास्तविक रूप में कोई युद्ध ना हो रहा हो। मतलब कि कोई युद्ध ना हो, केवल क्या हो, तनावपूर्ण हो, वातावरण तनावपूर्ण हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी ताकत बनकर उभरा। ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी ताकत बनकर उभरा। हालांकि युद्ध के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर फांसीवादी ताकतों को हराया था, लेकिन युद्ध के बाद उनमें टकराव और तनाव उभरने लगे और उनके संबंध बिगड़ने लगे। इसी टकराव और तनाव उन स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि शीत युद्ध का मतलब होता है कि केवल क्या हो, वातावरण में तनावपूर्ण हो, लेकिन कोई युद्ध ना हो रहा हो। इस तरह के युद्ध को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध, यानी कोल्ड वार के नाम से जाना करते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहा था साथियों आपके लिए। और हम लोगों ने देखा कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, तो 1991 ईस्वी में। जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, सभी क्वेश्चंस आपको डिस्कस के साथ कराऊंगा, इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन टू। प्रायः अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का दौर मानते हैं, कब से कब मानते हैं? अभी मैंने आपको बताया, तो जो प्रायः अधिकांश विद्वान है शीत युद्ध का दौर, ऑप्शन ए द राइट आंसर, 1945 से 1990 तक मानते हैं। 1945 से 1990 तक प्रायः अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का दौर मानते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थ्री, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो सही आंसर है आपका थर्ड का, ऑप्शन सी द राइट आंसर, वर्ष 1962 ईस्वी में क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था। फ्रेंड्स, ये क्यूबा जो है, क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का गठजोड़ सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। और ये भी आपको याद रखने हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। और जो उस समय जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे, फिडेल कास्ट्रो थे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि केवल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो, साथ ही साथ आप पूरे फाइव मार्क्स जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए जा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में किसी तरह से आपको परेशानी ना हो। और जितने भी शॉर्ट लॉन्ग होगी, सभी क्वेश्चंस आपको तैयारी कराई जाएगी और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर है हमारा, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? ऑप्शन है आपके सामने, तो फोर का सही आंसर है आपका, ऑप्शन इज द राइट आंसर, शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। यानी बर्लिन की दीवार का जो निर्माण हुआ था, शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष था दोस्तों साथियों। और शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक जो है बर्लिन की दीवार को भी माना जाता है, जिसको कब तोड़ी गया था, तो 9 नवंबर 1989 को तोड़ी गई थी। और जो बर्लिन की दीवार का जीवन काल था, और 28 वर्षों तक रहा, यानी 1961 में इसको बनाया गया था और 1989 में इसको विध्वंस किया गया था। देखिए, मैंने और भी क्वेश्चंस आपको बर्लिन की दीवार पे सेट किए हैं, नीचे आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको वहां पर इसका जो होगा आपको मिलेगा कब बर्लिन की दीवार का निर्माण कब कराया गया, उसका विध्वंस कब हुआ, तो आप लोग याद रखेंगे अच्छे से, ताकि आपको नीचे भी कोई परेशानी ना हो और सभी क्वेश्चंस आपको याद होते जाएं। हम लोग हरेक सेट मिलाकर 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे और सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आज हम लोग सेट वन को कर रहे हैं, इसी तरह से हम लोग सेट टू, सेट थ्री, सभी सेट को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फाइव, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, तो फाइव का सही आंसर है आपका, ऑप्शन ए द राइट आंसर, 1963 ईस्वी में। हॉटलाइन समझौता जो हुआ था 1963 ईस्वी में हुआ था साथियों। और इसका मुख्य क्या उद्देश्य था हॉटलाइन समझौता का? तो इसका उद्देश्य था, इस समझौते का, जो संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ इन दोनों के सरकारों के बीच
संचार को गति देना। संचार को गति देना कहने का मतलब एक तरह से आप संचार का मतलब होता है बातचीत को गति देना और आकस्मिक परमाणु युद्ध की संभावना को रोकना। जो आकस्मिक जो होता है बिना बताए हुए जो परमाणु युद्ध की जो संभावना जो बन रही थी उसको रोकना था, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? तो हॉटलाइन समझौता का। 1963 ईस्वी में हॉटलाइन समझौता हुआ था साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी, कब गिराई थी साथियों? अभी मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चंस में कराया है और मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नीचे भी क्वेश्चंस को देखने को आपको मिलेंगे। तो प्लीज अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहती है साथियों। और अपने दोस्तों के साथ, दो दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर आए और हमें भी पढ़ाने में आपको खुशी मिले। तो पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार गिराई थी, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर 1989 ईस्वी में, याद रखिएगा। और शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था ये आपका बर्लिन का दीवार, जिसको 1989 ईस्वी में तोड़ी गई थी, 9 नवंबर 1989 ईस्वी में तोड़ दिया गया था। और बर्लिन का दीवार का जीवन काल जो था साथियों आपका 28 साल रहा था। 1961 में इसको बनाया गया था और 1989 में इसको विध्वंस कर दिया गया था, याद रखेंगे आप लोग, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। लेनिन का जीवन काल माना जाता है, लेनिन का जीवन काल माना जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मेरा जो है वो आपका रिकॉर्डिंग करने वाला जो माइक है वो मेरा खराब हो चुका है, जिसके कारण मैं आप ईयरफोन से आज मैं वर्क कर रहा हूं, तो ईयरफोन से आवाज उतना क्लियर नहीं जा सकता है, तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोगों को समझ में आ रही होगी वीडियो, इतना काफी है। लेनिन का जीवन काल माना जाता है ऑप्शन से आपके सामने, तो 7 का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए द राइट आंसर, 1870 से 1924 ईस्वी में। लेनिन का जीवन काल 1870 से 1924 ईस्वी माना जाता है साथियों। और मेरा मुख्य मकसद यही है कि आपको आपको सभी क्वेश्चन याद करा दिया जाए, ताकि इसीलिए मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ कमेंट करने का, ताकि आप लोग अच्छे से देखें। कमेंट को आप लोग स्टॉप भी कर सकते हैं, जितने भी बच्चे कमेंट नहीं भी कर सकते हैं, आप लोग केवल वीडियो को अच्छे से देखिए, टेस्ट सीरीज में आप लोग कमेंट को किया कीजिए, यहाँ पर आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए समझिए, ताकि अब हम लोग पास समय कम है, कम समय में ज्यादा वीडियो जो ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ज्यादा वीडियो को करने की कोशिश करेंगे। तो लेनिन का जीवन काल माना जाता है, तो 7 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए द राइट आंसर 1870 से 1924 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो यहाँ पर देखिए जो व्लादिमीर लेनिन थे इनके बारे में मैंने कुछ यहाँ पर टर्म्स आपको बताए हैं। जो व्लादिमीर लेनिन थे 1870 से 1924 इनका जीवन काल रहा था और ये सोवियत के प्रथम महान साम्यवादी सफल नेता माने जाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। व्लादिमीर लेनिन पर कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में लिखने को भी आ जाता है 5 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, देखिए मैंने ऊपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था कि बर्लिन की दीवार को कब विध्वंस किया गया था, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, तो 8 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर 1961 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 ईस्वी में साथियों, और शीत युद्ध का यह सबसे बड़ा प्रतीक था बर्लिन का दीवार, जो 9 नवंबर 1989 को तोड़ी गई थी। और बर्लिन की दीवार का जीवन काल रहा था 28 वर्ष तक रहा था, यानी 1961 में इसको बनाया गया था, 1989 में इसको विध्वंस किया गया। मेरी मुख्य मकसद यही कि ताकि आपको ये क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कराकर सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद करा दिए जाए, क्योंकि हम लोग 500 क्वेश्चंस करेंगे और 500 क्वेश्चंस इज नॉट सो इनफ, यानी 500 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है साथियों, तो 500 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो क्यों ना हम लोग शुरू से ही अच्छे खासे सभी क्वेश्चंस को याद कर जाए। और इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लेते जाइएगा, क्योंकि 500 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे और मेरी पक्का उम्मीद है कि 500 से ज्यादा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से पूछे ही नहीं जाएंगे। आपको केवल क्या करने हैं, तो 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है, आप आसानी से दे सकते हो, 500 क्वेश्चंस से 50 क्वेश्चंस आसानी से मैच कर जाएंगे साथियों, तो अच्छे से आप लोग देखेंगे सभी क्वेश्चंस को। जितने भी मेरी बहने वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए आप लोग, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शॉक थेरेपी को अपनाया गया, शॉक थेरेपी को अपनाया गया ऑप्शन से आपके सामने, तो 9 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर 1990 ईस्वी में शॉक थेरेपी को अपनाया गया। क्या है शॉक थेरेपी ये भी आप लोग जान लीजिए, नीचे मैंने आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपके लाए हैं सामने। दोस्तों अगर मेरी आवाज आप लोग को फास्ट लग रही होगी तो प्लीज वीडियो को आप लोग प्लेबैक स्पीड में जाकर थोड़ा कम कर लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलिएगा तो थोड़ा कमेंट कर दिया कीजिए, आप लोग भी कमेंट नहीं करते, यही सब सबसे ज्यादा डिमेरिट है आप लोगों में। अगर वीडियो फास्ट लगे तो आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए वीडियो फास्ट लग रही है, तो अगले वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा मीडियम स्पीड में मिलेगा, ताकि मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा जब मैं स्लो बोलता हूं तो बहुत ज्यादा बच्चे जो हम लोग कहते हैं अनस, अब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बच्चे ज्यादा इग्नोरेंस फील करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे जो होते हैं डिस्टर्बेंस फील करते हैं, जिसके कारण मैं वीडियो में अब फास्ट वीडियो बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिले और कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि आपको
बुक भी पढ़ना होता है, वीडियो देखकर ही आपकी पूरी तैयारी नहीं हो सकती है, इसलिए खुद से भी तैयारी करनी रहती है। बहुत से बच्चे कमेंट में करते हैं कि सर मैं आप पर डिपेंडेंट हूँ, प्लीज आपको मुझ पर डिपेंड मत रहिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझ पर डिपेंड मत रहिए, आप खुद पे डिपेंड होइए, मैं तो आपको केवल हेल्प कर रहा हूँ, केवल हेल्प कर रहा हूँ। 100% सफलता आपको मेरी वीडियो से नहीं मिलने वाली है, 100% सफलता आपको मेरी वीडियो से नहीं मिलने वाली है, इसके लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद से बुक को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए प्लीज आप बुक को भी पढ़ा कीजिए। यहाँ पर टर्म्स आया है सेक थेरेपी, शॉक थेरेपी, तो शॉक थेरेपी के बारे में यहाँ पर हम लोग जानते हैं कुछ। जो शॉक थेरेपी था आपका 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। शॉक थेरेपी जब बनाया गया था तो जिसका उसने वादा किया था उस आनंद लोक तक नहीं ले गई थी जनता को। अमूमन शॉक थेरेपी से शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। मैं जितने भी देखिए क्वेश्चन यहाँ पर करता हूँ सभी का आपको वर्ड देखने को मिलेगा हायर रेंज, इसका हायर देखने को मिलेगा, वर्ड आपका वर्ड का साइज भी थोड़ा बड़ा रहता है ताकि आपको अच्छे से दिख सके। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि रूस में कुल 1500 बैंक जो थे अन्य वित्तीय संस्थान थे जिनमें से लगभग आधे शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप दिवालिया हो गए थे। जो शॉक थेरेपी आपका यहाँ पे अपनाया गया था 1990 में इसके कारण ये दिवालिया हो गए थे। और ऐसा ही एक बैंक था जिसका नाम था इकॉम था, रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक है इकॉम जो था उस समय, वो भी दिवालिया होने से ग्राहकों के अलावा 10,000 कंपनियों और शेयर धारकों की जमा पूंजी भी डूब गई थी। दिवालिया हो गया था आपका इकॉम बैंक भी। तो ये भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जितने भी टर्म्स यहाँ पे स्टार लगाए हुए सभी टर्म्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से फुल कॉन्सेप्ट के साथ आंसर देने की कोशिश कीजिए और आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, निम्न में कौन सा शहर किसी न किसी देश की राजधानी नहीं है। देखिए बहुत ही आप लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने डाले हैं इस वीडियो में। निम्न में कौन सा शहर किसी न किसी देश की राजधानी नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। 10 का आंसर आप लोग ही कमेंट कर दीजिए। तो चलिए 10 का सही आंसर है आपका ऑप्शन इधर राइट आंसर चेन्नई, बिल्कुल सही है। चेन्नई जो है किसी देश की राजधानी नहीं है। यहाँ पर आपका बगदाद है तो बगदाद की राजधानी यहाँ पर देखिए आप लोग, बगदाद की राजधानी आपकी हो जाती है, इराक की राजधानी आपकी बगदाद हो जाती है साथियों, याद रखना है आपको। और तेहरान है तो तेहरान की भी जो होती है ईरान का राजधानी तेहरान है। और दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन, यहाँ पर आपको केपटाउन भी देखने को मिला, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन है, ये भी आपको याद रखना है। ईरान की राजधानी तेहरान है और इराक की राजधानी बगदाद है, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे साथियों। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज आज थोड़ा सा मतलब आवाज में दिक्कत होगा, बट किसी तरह से आप लोग मेंटेन कीजिए, अच्छे से देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। अगले सेट से हम लोग अच्छे आवाज के साथ करेंगे क्योंकि माइक मेरा खराब हो चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया, सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया, तो इसका सही आंसर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया 2009 में आपके एग्जामिनेशन में 11 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया था। देखिए सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया, तो आपका 11 का सही आंसर है आपका ऑप्शन इधर राइट आंसर 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया था। और दो दशकों तक इराक के राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन का जन्म वर्ष 1937 के अप्रैल महीने में बगदाद के उत्तर में स्थित तिकरित के गांव में हुआ था और इनको पकड़ लिया गया था 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया, तो इसका सही आंसर आपका 12 का याद रखिएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर अमेरिका। अमेरिका ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, इनमें किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, इनमें किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो 13 का आपका सही आंसर है ऑप्शन इज द राइट आंसर चीन ने। सभी क्वेश्चन आपको नए नए देखने को मिलेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो चीन ने, याद रखिएगा 13 का सही आंसर ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है, तो 14 का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी द राइट आंसर 12, ऑप्शन बी द राइट आंसर, यूरोपीय संघ के झंडों में सितारों की संख्या कितनी है, तो 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो 15 का आपका सही आंसर है ऑप्शन इज द राइट आंसर, भारत जो है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा जनसंख्या के आधार पर भी इसको आप बड़ा कर सकते हैं, जनसंख्या तो भाई बड़ा है ही, चाइना के बाद विश्व में दूसरा जो है हमारा देश भारत ही है बड़ा में, तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत जनसंख्या के आधार पर भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था, पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण भारत में किया गया था। इसका डेट भी आप लोग याद रख सकते हैं 18 मई 1974
18 मई 1974 को किया गया था साथियों, कहां में? राजस्थान के पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलेंगे ताकि आप लोग की ज्यादा समय नहीं ली जा सके, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट में आप लोगों ने इग्नोरेंस फील का बहुत से बच्चों ने जिक्र किया है, तो बच्चे बोलेंगे प्रैक्टिस कराने के लिए तो प्रैक्टिस तो करा सकता हूँ, लेकिन अभी हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, 500 पॉलिटी साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट चला रहे हैं, तो ये सेट आपका 1 है। इसी तरह से हम लोग बहुत से सेट को करेंगे ताकि हम लोग का 500 क्वेश्चंस पूरा हो सके, और 500 क्वेश्चंस को अगर आप लोग कर लेते हो पीडीएफ के साथ तो आपकी पूरी तैयारी कंफर्म हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव आपका 50 में 50 से ही कंफर्म हो जाएगा। और साथ साथ आप लोग शॉर्ट लॉन्ग के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग की तैयारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। 18 का आपका ऑप्शन है चीन द्वारा विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई? बिल्कुल सही है, 18 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा 1978 ईस्वी में चीन द्वारा विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई थी 1978 ईस्वी में। अभी मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी, यहाँ से आधा क्वेश्चन था खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी, चीन ने। तो भाई क्यों अपनाई थी? तो विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी, और कब अपनाई गई थी? तो 1978 ईस्वी में अपनाई गई थी, और किसने अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। याद रखेंगे इस तरह से आप लोग, बर्लिन की दीवार वाला जो क्वेश्चन था तो बर्लिन की दीवार का कब विध्वंस हुआ, कब बनाया गया, और उसका जो मुख्य जो था वो क्या था, उसका चरमोत्कर्ष क्या था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? देखिए इसमें आप लोग बहुत से बच्चे कंफ्यूज आते हैं, एक आपका यूरोपीय संघ होता है और एक यूरोपीय आर्थिक समुदाय होता है, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी आपका 1957 ईस्वी में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी दोस्तों। और यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो संघ था वो यूरोपीय आर्थिक संघ शीत युद्ध के दौरान हुए भी सभी समुदायों में सबसे अधिक प्रभावशाली समुदाय था, और इसे यूरोपियन सामान्य बाजार भी कहा जाता था। इसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम तथा लग्जमबर्ग शामिल थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये जो आपका यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आर्थिक संघ के बारे में, आर्थिक समुदाय के बारे में है। और इसी तरह से आप लोग एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय संघ, तो याद रखिएगा अच्छे से, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुई थी और यूरोपीय आर्थिक संघ की स्थापना जो हुई थी 1992 में हुई थी, जो कि आपको 20 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 20 का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी द राइट आंसर 1992 ईस्वी में, यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई थी 1992 ईस्वी में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई हो, तो ये हमारा जो था ये 500 पॉलिटिक क्वेश्चंस का सेट 1 था। इसी तरह से हम लोग जितने भी सेट होंगे करेंगे ताकि हम लोग 500 क्वेश्चन तक पहुंच सके, और जो आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस है वो चैप्टर वाइज क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और इसी तरह से हम लोग हर शाम सात बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज हर शाम 7 बजे करेंगे, 7 बजे का टाइमिंग फिक्स है, और सुबह में हम लोग क्या होगा चैप्टर वाइज क्लासेस को करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आए हो, प्लीज दोस्तों अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को वीडियो का फायदा मिल सके। अब मैं मेहनत करता हूँ तो सभी लोगों को क्या होना चाहिए, तो इसका फायदा मिलना चाहिए, और मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए ताकि मतलब जो हो सके हम भी मेहनत करें तो कुछ हमें भी फायदा हो। तो प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सेट 2 में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, चलिए बाय, हेलो एवरीवन। तो चलिए यहीं पे खत्म किया जाता है टेस्ट सीरीज को, टेस्ट सीरीज पे नहीं था आपका सेट 1 था, तो सेट 1 को हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको फुल कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। चलिए ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, और किसी तरह की प्रॉब्लम हो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट भी आप लोग देख सकते हैं ताकि हमें हौसले को बढ़ा सके, आप लोग के लाइक से तो हौसला बढ़ता ही है। चलिए तो बहुत से बच्चे आज हमसे जुड़े थे, ओके टेक केयर ऑल ऑफ